कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो आज का व्लॉग जो है मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया आज जो है ना मैं आपके साथ अपनी आफ्टरनून की रूटीन जो है ना शेयर करूंगी अभी बचे हैं दोपहर के साढ़े बारह तो मैं जो है ना अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही हूँ तो अभी जस्ट जो है ना उसको उसका ऑफ होता है स्कूल ट्वेल्व पे तो बस अभी मैं जा रही हूँ ट्वेल्व हो गए हैं तो बस दस मिनट में जो है ना मैं पहुँच जाऊँगी आउट हम्म, okay. hmm. hmm. और यहाँ पे बस अभी मैं घर आ गई थी और यहाँ से स्कूल की जो है ना थोड़ी बहुत रस्ते में आते आते डिटेल्स पूछती हूँ जो भी उसका टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं <coughs> रेगुलर बेसिस पर जो है ना इनके टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से मैं उससे वही पूछ रही थी कि क्या क्या किया ये पता क्या घर पर प्रॉपर एक बिल्कुल ठीक करके दिखा कर जाता है तो सुबह तक जो है ना एक आधा या तो नुतका ना या तो नुकता खा जाता है और यहाँ एक आधा वर्ड बीच में से पता नहीं उसको क्या करता है तो खैर उसको मैंने खाना बना के दे दिया तो उसने पराठा खाना था तो मैंने उसको पराठा बना के दे दिया तो फिर लेने गई थी बेटी को स्कूल से उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरी बेटी ना मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जब भी कुछ कोई स्पेशल वगैरह बनता है ना तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो आज जो है ना बिरयानी बनी हुई थी मेरे ननंद की तरफ तो फिर उन्होंने जो है ना बिरयानी सबको जो है ना दी थी हम तकरीबन चार से पांच फैमिलिया जो है ना एक साथ रहते हैं तो यहाँ पे बस बच्चों को खाना वगैरह खिला के तो ये शाम का टाइम है और यहाँ पे जो है ना मैं इसको बच्चों को स्टडी करवा रही थी और मैं but uh इन दोनों का है ना जो है ऐसे ही चलता है मतलब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जो है ना बहुत तंग करते हैं सिर्फ़ एक सोने टाइम है कि इन दोनों को सुकून आए वरना जो है ना ये ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं तो चले यहाँ पे जो है ना ये जनाब को मैंने खुद करवाना होता है तो इसलिए इसका जो है ना फटाफट से हो जाता है बेटी का आज हाँ जो है ना थोड़ा ज़्यादा था और अभी देखें कि थ्री क्लास में ही जो है ना जो का बच्चों को सिखा रहे हैं मतलब हमारे टाइम में शायद आई थिंक मुझे याद आता है कि सिक्स फाइव सिक्स क्लास में जो है ना जो मैट्री स्टार्ट करते थे तो अभी यहाँ पे थ्री क्लास में जो है ना जो मेट्री जो है ना इसकी स्टार्ट हो गई हुई है तो वही बस ये कर रही थी तो अभी जो है ना शाम का टाइम है तो हस्बैंड आते हुए ना ये कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए थे तो बच्चे अभी जो है ना वही खा रहे हैं तकरीबन <coughs> साढ़े छः सात बजे तक जो है ना आ जाते हैं क्योंकि आजकल जो है ना रोज़े हैं उसकी वजह से तो इसलिए जो है ना अदरवाइज़ तो नौ बजे जो है ना आते और यहाँ पे मेरी बेटी कुछ आर्ट कर रही थी उसको जो है ना ईस्टर के लिए डेकोरेशन का कुछ लेके जाना था स्कूल में तो बस वही कर रही थी वो पेंट से तो उसके बाद यहाँ पर मेरा खाना भी जो है ना तकरीबन डन हो चुका था ये सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल लास्ट पे थी कि मेरे आलू जो है ना गल चुके थे बस थोड़ा सा जो है ना शोरबा था मैंने और थोड़ा थिक करना था तो वैसे यहाँ पर मैंने आलू मटर के साथ चावल बनाए थे तो इतने मजे के आलू मटर बने थे आज हालांकि सीजन इनका ऑफ हो गया वह लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जो है ना वेस्ट ही हो गया तो बट इस बार जो है ना इतने ज़बरदस्त इतने टेस्टी मटर बने थे और जब कच्चे मटर आए थे ना तब भी बहुत हरे हरे से और फ्रेश फ्रेश लग रहे थे और ये बस हम सब खाना खा रहे हैं तो हस्बैंड को जो है ना वो मोस्टली ज़्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं तो फिर मैंने उनको साथ जो है ना एक रोटी भी बनाती थी और साथ में जो है ना मैंने आलू मटर के साथ चावल मेरा ख़ुद को भी जो है ना एक एक चीज़ खाने को दिल कर रहा हो तो उसका जो है ना आपकी ज़ुबान भी टेस्ट आता रहता है मतलब एक माइंड में जो है ना घूमता रहता है जिसको हम क्रेविंग का नाम ले देते हैं तो बस वही जो है ना चल रहा था तो फिर मैंने आलू मटर के साथ चावल बना लिए यहाँ पे अभी जो है ना खाना वगैरह हो गया तो बच्चे गए थे लेट क्योंकि हमने खाना तकरीबन आठ बजे तक खा लिया था आज जल्दी आ जाते हैं उसकी वजह से तो फिर बच्चे तकरीबन एक घंटा जो है ना उन्होंने थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा तो आठ बजे खाना खाने के बाद बजे जो है ना मैंने उनको लटा दिया उसके बाद यहाँ पे मैंने उनको लटाने के बाद जो है ना यहाँ पे थोड़े बहुत जो मेरे रात के बर्तन थे वो वॉश किए क्योंकि जो है ना थोड़े से थे मतलब जिसमें हमने एक दो प्लेट्स में जो अभी खाना वगैरह खाया और सब्ज़ी वाली जिसमें देचकी में जो मतलब बना हुआ था वो तो बस अभी यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग करूंगी तो उसी में जो है ना थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा जो है ना बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करके रखना होता है सुबह जो है ना थोड़ी मुश्किल नहीं होती तो उसके बाद आजकल जो है ना बस आज आज जो है ना मैंने ऐसे थोड़ा सा रैंडमली व्लॉग बनाया था मैंने कहा कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना कर दूँ कल भी मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि ऐसे ही पता नहीं सारा दिन में वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं लगा और रात में जो है ना हस्बैंड आ गया तो फिर हस्बैंड के सामने जो है ना मुझसे वॉइस ओवर नहीं होती यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे किचन भी ऑलमोस्ट जो है ना डन हो चुका था तो अभी मैं बना रही हूँ चाय हस्बैंड का आज मूड है कि चाय पीने का वैसे वो रात में चाय आजकल जो है ना हम दोनों स्किप करते हैं पर कभी कभी है कि उनका दिल करता है तो वो पी भी लेते हैं तो यहाँ पर मैं मैं चाय बना रही हूँ और चाय का सबका अपना अपना तरीका है मैं ऐसे बनाती हूँ चीनी पत्ती दूध और पानी मैं बहुत कम यूज़ करती इसलिए तो मैं चाय पीती नहीं हूँ क्योंकि चाय में पानी जो है ना मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा पानी वाली चाय जो है ना पी नहीं जाती इसकी वजह से जो है ना फिर मैं चाय स्किप करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ इससे बेहतर कि इतना सारा जो कैलरीज और ये वो सब कुछ हो तो जो है ना उसकी वजह से तो फिर जो है ना यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी तो बस आज की वीडियो ये इतनी अच्छी लगी लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलूँगी कल नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय